जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, मेरा नाम ज्योति है और मैं सुजानपुर पंजाब से हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और ड्यूरिंग माय एमबीए ही मेरी शादी हो गई और उसके बाद बाकी की स्टडीज मैंने यहीं से कंटिन्यू की। फिर एमबीए कंप्लीट करने के बाद मैंने एमफिल भी किया, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं जॉब नहीं कर पाई। तो यहाँ पे मेरी फैमिली बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सपोर्टिव है। आई हैव टू किड्स, मेरे हस्बैंड बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है और मेरी मदर इन लॉ जो है वो बहुत ही अच्छी डिवोटी है। मीन्स एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, बट मुझे लगता था कि जैसे लाइफ में कुछ कमी है, कुछ मिसिंग सा लगता था, लेकिन मैं रीजन नहीं ट्रेस कर पाती थी कि ऐसा क्या है। तो नाउ आई फाउंड कि वो क्या था, वो एक्चुअल में था भगवान के साथ कनेक्शन। ऐसा भी नहीं है कि मैं डिवोशन में पहले बिल्कुल भी नहीं थी। जो नॉर्मल स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हमारी इंडियन फैमिलीज में होती हैं, उस सब में तो इन्वॉल्व ही थे। जैसे खाना खाना है या नहाना है, उसी तरह पाठ पूजा करना है या भोग लगाना है, लेकिन चैंटिंग की मेरी कोई खास रूटीन नहीं थी। फिर अगस्त 2017 में मुझे नीलम आंटी की तरफ से फोन आया कि बेटा आप भगवद गीता पढ़ोगे। तो मैंने कहा कि हाँ जी, मैं जरूर पढ़ूंगी, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ऑलरेडी कर रहे थे तो मेरा भी थोड़ा इंटरेस्ट था उसमें। तो फिर इस तरह मेरी फर्स्ट रीडिंग स्टार्ट हो गई। तो फर्स्ट रीडिंग से ही मुझे काफी कुछ सीखने को मिला, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिले, मुझे काफी अच्छा लगना शुरू हो गया। और मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि भगवद गीता तो हर किसी को जरूर पढ़नी चाहिए और अर्ली एज में पढ़नी चाहिए। फिर उसके बाद कंसेक्टिवली मेरी सेकेंड और थर्ड रीडिंग नीलम आंटी जी के साथ हुई। उसके बाद मेरी फोर्थ रीडिंग जो थी वो निखिल जी के साथ स्टार्ट हो गई। वो मॉर्निंग वाला सेशन था, 5 बजे वाला। तो पहले तो मुझे लगा कि मैं सुबह 5 बजे कैसे उठ पाऊंगी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये भगवान की तरफ से कॉल है भाई, अब तो जागो। तो फिर इस तरह मेरा 5 बजे वाला सुबह वाला सेशन शुरू हो गया। तो सच कहूं वो भी बहुत अच्छा गया, बहुत कुछ नया सीखने को मिला, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस क्लियर हुई मेरी। और इस तरह करते करते अब मेरी 5 रीडिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब भगवान के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ और अब ये लगना शुरू हो गया है कि जो असली रिश्ता है वो तो हमारा भगवान के साथ है, बाकी सब तो दुनियादारी ही है। सच बोलूं, लाइफ में कभी ऐसे नहीं सोचा था कि हम सब सोल्स हैं और ये जो हमें मानव जीवन मिला है ये हमें सुपर सोल से कनेक्ट करने के लिए मिला है। हम बॉडी लेवल पे ही सोचते थे और बॉडी लेवल पे जो कंफर्ट्स होते हैं उन्हीं में हैप्पीनेस ढूंढते थे। लेकिन अब गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद ये रियलाइज किया कि जो रियल और परमानेंट हैप्पीनेस है वो इस वर्ल्ड में कहीं नहीं है, वो भगवान के साथ जुड़ने में है। और सेकेंड थिंग कि इससे पहले मैंने अपनी लाइफ में भगवद गीता कभी नहीं पढ़ी थी। हाँ, ये जरूर सुन रखा था कि जो इंसान डेथ बेड पे है उसे गीता का 18th chapter सुनाओ, लेकिन इसे पढ़ने के बाद ही ये मैंने जाना कि ये तो जीवन जीने का हमें ढंग सिखाती है, ये हमें लाइफ के डूज एंड डोंट्स बताती है, ये हमें बताती है कि हमें हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। तो फिर ये सब बातें तब जानने का क्या फायदा जब हमारी लाइफ खत्म होने को है। और मेरे ख्याल से इसे अर्ली एज में ही हमें स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि ये जो हमें इतना अनमोल मनुष्य जीवन मिला है हम उसे वैल्यू कर पाए। इसके अलावा भगवद गीता पढ़ने के बाद मैंने अपनी लाइफ में काफी पॉजिटिविटी एक्सपीरियंस की, मेरे अंदर काफी पॉजिटिव चेंजेस आए, मेरा पेशेंस लेवल काफी बढ़ गया और मेरी दूसरों से एक्सपेक्टेशंस भी कम हुई। इसके अलावा मेरी एक्सेसिव थिंकिंग की हैबिट थी जो मुझे बहुत तंग करती थी, वो भी काफी कम हो गई। और ये समझ में आया कि हमें दूसरों की गलतियां निकालने की बजाय अपने अंदर कमियां देखनी है और जो फोर्स हम दूसरों पे लगाते हैं कि दूसरे सुधर जाएं, उसको अपने ऊपर लगाना है और अपनी कमियों को दूर करना है। मैं इसमें एक और बात ऐड करना चाहूंगी कि ये जो भगवद गीता है ये एक लाइफ इंश्योरेंस की तरह है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। मीन्स इसके आफ्टर डेथ बेनिफिट्स तो है ही है, लेकिन लाइफ में डिवोशन लाने से हमारी प्रेजेंट लाइफ भी अच्छी हो जाती है। पहले मैं भी यही सोचती थी कि डिवोशन जो है वो एक डिफरेंट टॉपिक है और इसका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब मैंने ये रियलाइज किया
कि लाइफ में डिवोशन लाने से कैसे हम सुपर पॉजिटिव हो जाते हैं, कैसे हमारे अंदर डिवाइन क्वालिटीज आ जाती हैं, हम पहले से बेटर कर पाते हैं। और जैसे कि कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के मॉडल में हमने देखा कि सिर्फ हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी होने से हमारी बाकी की सारी हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है और लाइफ को बैलेंस तरीके से लीड कर पाते हैं। फ्रेंड्स, मुझे गोलोक एक्सप्रेस की ये बात बहुत अच्छी लगी कि इसमें घर बैठे बैठे ही हमें डिवाइन नॉलेज मिल रही है। हम घरों में ही अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते करते सत्संग कर लेते हैं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये टेक्नोलॉजी की बेस्ट यूसेज है आज के टाइम में। लास्ट में मैं थैंक्स करना चाहूंगी भगवान कृष्णा का, जिन्होंने हमें इतना प्यारा प्लेटफॉर्म दिया उनके साथ जुड़ने के लिए, और निखिल जी का, नितिन जी का, नीलम आंटी जी का, और पूरी की पूरी गोलोक एक्सप्रेस टीम का, जो कि इतने डेडिकेटेडली सेवा कर रहे हैं और समाज में पॉजिटिविटी फैला रहे हैं और लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं डिवोशन करने के लिए। और फ्रेंड्स, मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप जहां भी हो, जिस भी परिस्थिति में हो, स्टे कनेक्टेड विद गॉड एंड यू विल फाइंड द अल्टीमेट पीस एंड हैप्पीनेस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज अ सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल।